ये एक अलग तरह का प्रोडक्ट है, पेंट स्प्रेयर के काम में ये आता है, और इसमें हम लोग पेंट भी यूज़ कर सकते हैं जो सिंथेटिक इनेमल पेंट होता है, और इसमें हम ऑयल बॉन्ड डिस्टेंपर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें एपेक्स प्रीमियम इमल्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और जो भी सॉल्वेंट इपॉक्सी बेस्ड पेंट कोटिंग रहती है उसमें 50% विस्कोसिटी तक का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि स्प्रेयर मार्केट में आपको जो एयरलेस स्प्रेयर हैं मार्केट में काफ़ी मिल जाएंगे, जैसा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है और दूसरे इंडियन ब्रांड्स भी आते हैं, लेकिन उसमें जो क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, वो पूरी नहीं मिल पाती जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये एक सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है ग्रेको कंपनी का होता है, इसमें आप देखेंगे कि कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है ये यूएसए से है, ये यूएसए का इंपोर्ट है, और यहाँ इंडिया में इसके 4-5 दिल्ली में भी डीलर हैं जो लोग इसको इंपोर्ट करके और मार्केट कर रहे हैं। इसको आपको इजीली इंडिया में अवेलेबल है, और ये वर्ल्ड बेस्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है। अब ये जो ग्रेको प्रोडक्ट है पेंटलेस, अभी तक जो हम यूज़ करते हैं या जनरली जो मार्केट में चलता है वो कंप्रेसर्स वाले पेंट स्प्रेयर यूज़ करते हैं। कंप्रेसर में क्या फंक्शन रहता है, जो टेक्नोलॉजी वाइज अगर इसको समझना चाहते हैं तो उसमें एक मोटर से जो है पंप टैंक के अंदर एयर स्टोर हो जाती है, और वो एयर जो है गन के थ्रू बाहर आती है जब उसको हम रिलीज़ करते हैं, और जब हवा रिलीज होती है उसके साथ में हम एक लीटर का या 1.5 लीटर का एक टैंक रख देते हैं जिसके अंदर पेंट हम मटेरियल को डाल देते हैं, और वो हवा के साथ मिक्स होके बाहर निकलता है। अब जब हवा के साथ जो मिक्स होता है तो उसमें हम उसके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, मिक्सिंग रेशो को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम उसको स्प्रे करेंगे हवा के साथ जब वो मिक्स हो जाता है तो स्प्रेडिंग करते वक्त उसकी जो है पार्टिकल इधर उधर जो है बिखरते हैं और हवा में भी काफ़ी गिरते हैं, जिससे कि मेटल की वेस्टेज जो है वो काफ़ी हो जाती है। ये एक अलग तरह का प्रोडक्ट है, इसमें क्या है कि कंप्रेस हवा का यूज़ बिल्कुल नहीं होता, ये एक पंप की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है, आप एक एग्जाम्पल समझना चाहें तो पहले जैसे पानी के लिए हम लोग हैंडपम्प का यूज़ करते थे, ये उसी प्रिंसिपल पर काम करता है, ये मेटल को जो है सक करता है एज ए रेसिप्रोकेटिंग पंप और डिलीवर करता है होस पाइप में, और होस पाइप में जब ये डिलीवर करता है तो खाली उसको डिलीवर नहीं करता, वो एक प्रेशर पे उसको मेंटेन करता है। होस पाइप में जब रिक्वायर्ड प्रेशर हमारा उसका पूरा फिल हो जाएगा तो ये इसका सेंसर उसको सेंस करके उसको पंप को जो है बंद कर देगा, और जैसे ही हम स्प्रे करने के लिए उसको रिलीज करेंगे प्रेशर कम होगा उस पाइप में, ये पंप दोबारा चालू हो जाएगा। तो ये साइकिल इसी तरह से रिपीट होता रहेगा जब तक कि आपका पेंट जो है वो खत्म नहीं हो जाता या जब तक आप उसको रोकना नहीं चाहें। चलिए देखते हैं इसको अब कैसे अनबॉक्स, इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ये इसका हॉस पाइप एज ए स्टैंडर्ड आता है, और ये करीब करीब 25 फीट का होता है जो उनके हिसाब से रिकमेंडेड है, और इसमें अगर 2 से 3 हज़ार PSI का प्रेशर भी हम लोग इसमें डाल देते हैं तो ये ब्लास्ट नहीं होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये पाइप है। ये इसका स्प्रे गन है, और साथ में इसका एक अडाप्टर इसमें दिया हुआ है, क्योंकि इसको SMPS सप्लाई के थ्रू इसको हम चलाते हैं, जो इसके अंदर कंट्रोल कार्ड्स के लिए प्रोटेक्शन और सप्लाई को इम्प्रूव करता है। इसके अंदर एक नोज़ल जो है ये दिया हुआ है, और इस नोज़ल के थ्रू हम मेटल को स्प्रे करेंगे। अगर मेटल हमारा बहुत ज़्यादा पतला है या बहुत ज़्यादा मोटा है, अकॉर्डिंगली हमें नोज़ल ये बार बार उसको चेंज करना पड़ सकता है,
लेकिन अगर आप एक ही तरह का मेटल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल बॉर्न डिस्टेंपर अगर आप यूज कर रहे हैं या एपेक्स यूज कर रहे हैं या वाटर बेस्ड कोई भी आप इसमें यूज कर रहे हैं, तो एक ही नोजल से आपका पर्पज सर्व हो जाएगा, अलग से आपको कोई नोजल लेने का जरूरत नहीं है। और ये जो है इसका मेन मशीन इसका ये रहता है, जो कि अगेन यहाँ पे आप ब्रांडिंग देख पा रहे हैं यूएसए की, ये ग्रैको कंपनी का 390 मॉडल है। इसका वेट करीब 18 से 19 किलो रहता है, जो आप इजीली उठा के इसको मूव कर सकते हैं। ये इसका पावर सप्लाई है इनपुट के लिए, 230 वोल्ट पे ये ऑपरेटेड है। ये इसका सक्शन पाइप है जिसमें एक फिल्टर यहाँ लगता है और जो दूसरा फिल्टर है वो इसके पंप में लगता है और तीसरा जो फिल्टर है वो यहाँ लगता है। ये सिर्फ एयर इनटेक क्लीनर की तरह फिल्टर होता है, जैसे व्हीकल्स वगैरह में होते हैं उसी तरह से इसको क्लीन किया जाता है। और ये इसका जो है सक्शन लाइन है, यहाँ से ये मेटल को सक करता है। और एक इसका एग्जॉस्ट का आउटवर्ड के लिक्विड के लिए, अगर जब आपका प्रेशर जो है ज्यादा हो जाता है तो एक डिलीवरी हॉज भी इसके साथ में आता है, जो एक्स्ट्रा लिक्विड इसमें जो रहेगा वो इसके थ्रू उसमें निकाल सकते हैं।